हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉप मस्ट। दोस्तों, क्या आप इसीलिए रिजेक्ट होते हैं कि आप बहुत सुंदर हैं? अजीब लगा ना, लेकिन इन दिनों बॉलीवुड में कुछ ऐसा ही चल रहा है और इसकी शिकार हुई है प्राची देसाई। जी हाँ दोस्तों, अब तक बॉलीवुड में रंग रूप आकार को लेकर भेदभाव की खबरें आती रहती है। यही नहीं, कई एक्ट्रेस कह चुकी है कि उन्हें सांवली होने की वजह से काम नहीं दिया गया। कुछ लोगों ने उनको ये तक भी सलाह दे डाली थी कि आप गोरे होने का इंजेक्शन लगवा लो। इस बार एक्ट्रेस को रिजेक्ट करने का और कोई बहाना नहीं मिला तो डायरेक्टर ने ऐसी बात कर दी जिसे सुनकर आप भी उन पर भड़क जाएंगे। दरअसल प्राची ने खुलासा किया है कि उन्हें ये बोलकर रिजेक्ट किया गया कि वो काफी सुंदर है। दोस्तों, आज बॉलीवुड की नस नस में भेदभाव बढ़ चुका है और अब यहाँ पर अभिनेत्रियों को रिजेक्ट करने के नए नए बहाने तलाशे जा रहे हैं। और इसी बीच प्राची देसाई के इस खुलासे ने हलचल मचा दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें काम इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि वो काफी सुंदर दिखती हैं। बता दें कि प्राची ने अपने करियर की शुरुआत साल 2006 में टीवी सीरियल कसम से की थी। इसके बाद प्राची ने बॉलीवुड में डेब्यू किया। बता दें कि अपनी पहली फिल्म रॉक ऑन से उन्होंने कमाल कर दिया था और इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, जिसमें वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, बोल बच्चन, अजहर, एक विलन आदि इसमें शामिल है। और हाल ही में दोस्तों प्राची ने Z5 की वेब सीरीज फॉरेंसिक में भी काम किया है और इसमें उनका नेगेटिव रोल देखने को मिला है, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया। प्राची देसाई दोस्तों हर कसौटी पर खड़ी उतरी हैं, लेकिन उनके साथ भेदभाव किया गया है जो कि गलत है। दरअसल प्राची ने अपने करियर के दौरान एक सीधी सादी लड़की का किरदार निभाया था, लेकिन फॉरेंसिक में वो एक अलग किरदार में नजर आ रही हैं। इस सीरीज में वो एक ऐसी लड़की का किरदार निभा रही हैं जिसके कई राज छिपे हुए हैं। प्राची ने कहा कि लोगों ने उन्हें इस रोल के लिए अनफिट करार दिया था। साथ ही उन्होंने खुद भी माना कि मैंने एक सीधी सादी लड़की का किरदार किया है, ऐसे में ये मेरे लिए काफी मुश्किल था। साथ ही प्राची ने आगे बताया कि जब भी कोई ऐसा रोल आता था तो कास्टिंग डायरेक्टर ये सोचते थे कि मेरा चेहरा काफ़ी स्वीट है, यानी कि मैं सुंदर हूँ, लेकिन मैं इसका क्या करूँ, मैं नहीं जानती कि लोग कैसे अपने फायदे के लिए खुद को बदल लेते हैं। साथ ही प्राची ने बताया कि एक डायरेक्टर ने खुले मंच पर ये तक उनको कह दिया था कि प्राची इस रोल के लिए काफ़ी खूबसूरत है। तब प्राची ने इस बात का उल्टा धन्यवाद डायरेक्टर को दिया। उन्होंने कहा कि कम से कम मैं इस बात को लेकर खुश हूँ कि उन्होंने मेरी स्किल्स पर सवाल नहीं किए। दोस्तों, अब आप समझ सकते हैं कि बॉलीवुड में किस तरीके का माहौल बन गया है और बॉलीवुड के नए नए कारनामे और नए नए तरीके सामने आ रहे हैं। फिलहाल प्राची के इस खुलासे के बारे में आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूं वीडियो के साथ, गुड बाय।